तो हेलो गाइस, मैं वनमन गेमर, आप देख रहे हैं मेरे चैनल। आज हम करने वाले हैं माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज में हाउस बनाने वाले हैं। तो ये है दूसरा पार्ट और आज हम हाउस बनाने वाले हैं। देखते रहिए कि मैं कैसा हाउस बनाता हूँ। और लास्ट में आपको देखने को मिलेगा एक मज़ेदार वाला हाउस जो कि ख़तरनाक होगा। तो अभी के लिए हम हाउस बनाने की तरफ चलते हैं। तो अभी हमें हाउस बनाने के लिए कुछ एरिया है, एरिया चेक करना पड़ेगा। तो हमें थोड़ा ये एरिया अच्छा नहीं लग रहा, तो यहाँ पर, हाँ यहाँ पर बन सकता है गाइस। थोड़ा मैं इस तरह सफाई कर लेता हूँ इस एरिया का, थोड़ा सफाई करके आपको मिलता हूँ गाइस थोड़ी देर बाद। तो भाई यहाँ पर हमने साफ़ कर लिया पूरा एरिया, यहाँ पर पूरा एरिया साफ़ हो गया है। यहाँ पर हम बनाने वाले हैं हाउस। तो अभी के लिए हमें हाउस बनाने के लिए कुछ टूल्स वगैरह चाहिए होगा। तो मुझे पहले तो हमें बहुत सारा हुड चाहिए होगा। तो देख रहा हूँ मेरे पास हुड तो नहीं। तो अभी के लिए हम हुड तोड़ने के लिए एक पिकैक्स बना लेते हैं। देखिए अभी पिकैक्स तो मैं हुड का नहीं बना सकता, तो स्टोन का बना लेता हूँ। स्टिक कैसे बनाना है ये तो वो बन गया, तो और एक यहाँ पर लगाना पड़ेगा। यहाँ पर बन गया हमारा पिकैक्स। पिकैक्स बनने के बाद इसे हम हुड तोड़ने चलेंगे। चले तो हम यहाँ पर हुड तोड़ेंगे तो ये जंगल बर्बाद हो जाएगा। थोड़ा उस तरफ चलते हैं हुड तोड़ने के लिए। थोड़ा इस तरफ तो रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। तो वैसे मेरे पास यहाँ पर ही हुड है, तो यहाँ का ही तोड़ लेता हूँ। वैसे भी मुझे बड़ा वाला घर बनाने के लिए यहाँ का हुड भी तोड़ना पड़ेगा, इस जंगल को भी साफ़ करना पड़ेगा कभी बनाऊँ तो। बस मैं इस जंगल को एक काम करता हूँ, साफ़ कर लेता हूँ, जितना हुड हो सके उतना तोड़ता हूँ। तो हुड तोड़ने के बाद आपको मेरे साथ मिलता हूँ गाइस। तो गाइस बहुत देर के बाद मैं यहाँ पर बहुत सारे हुड तोड़ लाया हूँ। यहाँ पर वन स्टैक हुड भी तोड़ लाया हूँ। आयरन भी स्मेल्ट हो गया है, इसका हमको बनाना है प्लैंक्स बहुत सारे। बहुत सारे प्लैंक्स बनाने के बाद बना लेता हूँ कितना, दो स्टैक प्लैंक्स तो बना लेता हूँ। बहुत काम आने वाले हैं ये प्लैंक्स, इतना काफ़ी है, थोड़ा कुछ काम भी आ जाएगा। तो इस हमारे यहाँ पर बनाना है हमें हाउस। तो यहाँ पर मुझे कुछ लाइन डालना पड़ेगा, तो इधर से हम बनाएंगे हाउस। काम करते हैं इधर से, कुछ ऐसे टाइप के बना लेते हैं, कुछ तीन तीन हर तरफ में बना लेता हूँ। तो गाइस हमने यहाँ पर कुछ बना ली है, मतलब स्ट्रक्चर बना ली है, इस तरीके से हमारा हाउस बन जाएगा। तो यहाँ पर बीच बीच में हमें लगाना है, इस बीच बीच में लगाना है हमें हुड लगाना पड़ेगा। तो हम ये काम भी पूरा कर लेते हैं। हुड लगाना पड़ेगा यहाँ पर भी, ऐसे करके हुड लगाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं चल पाएगा ये। यहाँ पर ऐसे करके हुड लगाना पड़ेगा, हुड लगाने के बाद ही सब कुछ हो पाएगा। तो हुड लगाने के बाद गाइस मैं आता हूँ यहाँ पर और आपको दिखाता हूँ कि लुक में कैसा होगा हमारे हाउस का। तभी हम यहाँ पर हुड लगा देते हैं। तो गाइस यहाँ पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन गया है, आपको ये सादा सिंपल लगता होगा लेकिन ये सादा नहीं है, सिंपल वाला नहीं है। यहाँ पर हमें बनाना है सीढ़ी। तो गाइस इसका लुक कुछ ऐसा होगा। यहाँ पर हम छत भी बना लेते हैं, ऊपर छत के ऊपर भी एक हाउस बनाने वाले हैं। तो हाउस में कुछ फ्लोर बनाने वाले हैं, तो नीचे भी हमें हुड डालना पड़ेगा यहाँ। तो पहले मैं इसका काम कर लेता हूँ, इस फ्लोर का काम कर लेता हूँ। तो इस फ्लोर का काम कर लेता हूँ, इसमें फ्लोर का काम करने के बाद मैं मिलता हूँ आपको। तो गाइस यहाँ पर सब कुछ हो चुका है, आप ऊपर का फ्लोर भी देख सकते हैं, एक ब्लॉक मैंने बढ़ा भी लिया है। और यहाँ पर एक हाउस बन जाएगा, एक छोटा वाला ब्लॉक का नहीं, फिर मैं तीन चार दे देता हूँ। देख सकते हो यहाँ पर तीन, यहाँ पर तीन, और मतलब यहाँ पर भी तीन बना लेते हैं। इसको पूरा कोवर स्टोन से हम कवर करेंगे क्योंकि लुक में कोवर स्टोन से अच्छा तो दिख नहीं।
तो गाइस मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे बना ली है, इसके ऊपर तो और कुछ नहीं बनाएंगे अभी। यहाँ पर कुछ, यहाँ पर एक गेट और उस तरफ एक गेट बन जाएगा। इस तरफ एक गेट बना लेते हैं। एक गेट बनाने के बाद तो गाइस यहाँ पर हमने बना लिया है सब कुछ। अभी हमें सिर्फ स्टेयर लगाना है यहाँ पर। यहाँ पर स्टेयर लगाने के बाद हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हमारा हाउस पूरी तरीके से तैयार है। अंदर कुछ भी तो नहीं रखा है, लेकिन हम यहाँ पर कुछ दरवाज़ा तो लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं दरवाज़ा कुछ बना के लाता हूँ। दो तीन डोर लगा दें, क्या डोर कुछ बना कुछ ये करो। तो इस चीज़ को हम कहाँ लगाएंगे? ऊपर की साइड जाएंगे तो कुछ पेड़, इसको मैं बाद में साफ करता हूँ। तो यहाँ पर हम कुछ ये लगा लेते हैं ऊपर जाने के लिए। ऊपर क्या है आप जानते हैं या नहीं ये मुझे नहीं पता। ऊपर है हमारा उरी। तो यहाँ पर हमें फार्मिंग करना है, तो मुझे इस कोने पर हम फार्मिंग भी कर सकते हैं। चल जाते हैं, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। ये हाउस कैसे लगा आपको कमेंट में जरूर पता ही लगेगा। तो अगली बार अंदर का डेकोरेशन कुछ करेंगे, नहीं तो कुछ माइनिंग पे जाने की डेकोरेशन करेंगे। म्यूजिक।